हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस डिजिटल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर न्यू हैं और आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, तो अगर आप अपने उस यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं तो गूगल की जो पॉलिसीज है, आपको इस पर एड चलाने के लिए, अपने यूट्यूब अकाउंट पर एड चलाने के लिए आपको कम से कम 4,000 घंटे का वाच टाइम चाहिए, तभी आपके वीडियोस पर एड दिखाई देंगे। नहीं तो आपका जो चैनल है मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट लेके आया हूँ। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो ज़रूर आपको ये सब्सक्राइबर और व्यूज़ ग्रो करेंगे। तो देखते हैं, जो पहला पॉइंट है आपका YouTube वीडियोस देखें। अगर आप रेगुलर YouTube देखते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से सभी YouTube वीडियोस में यह बोला जाता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इसका मतलब जब आप कभी भी कोई भी वीडियो बनाएं तो यह लाइन अपने वीडियोस में ज़रूर बोलें। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब मेरा दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट है वो है शेयरिंग। अपने वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप न्यू हैं इसलिए आपको अपना जो है व्यूज़ बढ़ाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह देखना होगा कि आप अपने फर्स्ट में आप अपने वीडियोस को कहाँ शेयर करें। स्टार्टिंग में आप अपने वीडियोस को अपने जानने वालों के साथ में शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फैमिली मेंबर्स को शेयर कर सकते हैं, रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई आपका क्लाइंट है तो उसे भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपने जानने वाले, अपने भी सर्कल में उसे शेयर करेंगे तो उन सभी का कोई ना कोई सोशल मीडिया साइट्स पर कोई ना कोई प्रोफाइल होगा और उनका भी कोई सर्कल होगा, तो आपको आसानी से व्यूज भी मिलेंगे। और ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो अपना तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है कि अच्छे वीडियो बनाएं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, अच्छा वीडियो होगा, तो सभी को पसंद आएगा और आपको किसी को ज़बरदस्ती उसे शेयर करने के लिए या लाइक करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट में क्या है। फोर्थ पॉइंट जो मेरा है, इस पॉइंट में हम यूट्यूब वीडियोस को टाइम दें। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है, उस पर अच्छे कमेंट आ रहे हैं, अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। तो उस पर और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। जो अपना पांचवा पॉइंट है उसमें क्या है कि आप अगर यूट्यूब देखते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पर बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो कि अच्छे वीडियो बनाते हैं, आप उनसे हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किस तरीके से, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, वीडियो कैसे बनाएं, चैनल कैसे बनाएं, ग्रो कैसे करें, यूट्यूब पर बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद सिक्स पॉइंट है, इस सिक्स पॉइंट में आप अगर ग्रो करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया साइट्स पर आप अपना प्रोफाइल बनाएं। ठीक है दोस्तों, प्रोफाइल बनाएं, फेसबुक पर प्रोफाइल बनाएं, ट्विटर पर प्रोफाइल बनाएं, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाएं, बहुत सारी ऐसी, लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाएं,
बहुत सी ऐसी सोशल मीडिया साइट्स हैं जहाँ पर आप प्रोफाइल अपना बनाए बना सकते हैं और वहाँ पर अपने वीडियोस शेयर कर सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 7.7 पे क्या है कि जब आप कोई भी वीडियो बनाते हैं और उसे YouTube पर डालते हैं तो उसे URL को, जो न्यू वीडियो अपने बनाया है उस URL को आप सारे सर्च इंजन्स पर सबमिट करें। ठीक है, जो भी आपका है उसे गूगल पर सबमिट करें, और भी बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं वहाँ पर आप उसे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि जो 0.8 है, ये लास्ट पॉइंट है, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो भी वीडियोस आपने बनाए हैं सारे वीडियोस उनको आप ऑनलाइन पिंग कर सकते हैं, जैसे pingler.com है, ऐसी बहुत सी साइट हैं जिनसे आप उन वीडियोस को आराम से पिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी आसान और सरल तरीके हैं जिनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज अपने वीडियोस पर, अपने YouTube चैनल पर ला सकते हैं। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट में हमें बताएं, और वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें।